भारत में प्रदूषण की समस्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जिनमें एक है वायु प्रदूषण। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2017 में भारत में करीब 12 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से हुई है। यह जानकारी वायु प्रदूषण पर आई एक वैश्विक रिपोर्ट में दी गई है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 के इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में दुनिया भर में तकरीबन 3.6 अरब लोग घरों में होने वाले आंतरिक प्रदूषण से प्रभावित हुए। आज भी भारत में 60%, बांग्लादेश में 79% और चीन में 32% लोग ठोस ईंधन से खाना बना रहे हैं। यही कारण है कि घरों के भीतर भी लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। भारत में स्वास्थ्य संबंधी खतरों से होने वाली मौतों का तीसरा सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण है और इसके बाद धूम्रपान है। इस वजह से दक्षिण एशिया में मौजूदा स्थिति में जन्म लेने वाले बच्चों की जीवन 2.5 साल कम हो जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय तक घर से बाहर रहने या घर में वायु प्रदूषण की वजह से साल 2017 में स्ट्रोक, मधुमेह, दिल का दौरा, फेफड़े के कैंसर या फेफड़े की पुरानी बीमारियों से पूरी दुनिया में तकरीबन 50 लाख लोगों की असमय मौत हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से करीब आधे लोगों की मौत भारत और चीन में हुई है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल को सबसे प्रदूषित क्षेत्र माना गया है। इन देशों में हर साल 15 लाख लोग प्रदूषण की वजह से असमय मौत का शिकार हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में गौर करने वाली बात ये है कि भारत और चीन में प्रदूषण से होने वाली मौतों का आंकड़ा तो लगभग एक समान है, लेकिन चीन ने प्रदूषण को कम करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। द लैंसेट काउंटडाउन ट्रैकिंग प्रोग्रेस ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में घरों के भीतर वायु प्रदूषण के कारण साल 2015 में ही सिर्फ 1,24,000 लोग असमय मौत के शिकार हो गए। रिपोर्ट के अनुसार देश में अल्ट्राफाइन PM2.5 की मौजूदगी के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से साल 2015 में 5,24,680 लोगों की असमय मौत हुई और इन मौतों का सबसे बड़ा कारण घरों के भीतर का वायु प्रदूषण है, जिसके कारण 1,24,207 लोगों की असमय मौत हुई। अन्य स्रोतों में कोयला, बिजली संयंत्रों, परिवहन और उद्योगों के उत्सर्जन के कारण क्रमशः 80,368 लोगों, 88,091 लोगों और 1,24,207 लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 9,66,793 लोगों की असमय मौत के साथ चीन इस मामले में साल 2015 में शीर्ष पर था और इन मौतों का सबसे बड़ा कारण औद्योगिक स्रोतों से होने वाला प्रदूषण था। साल 2017 में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण से एक साल से कम उम्र के 1.1 करोड़ 22 लाख बच्चों के मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने कहा कि वायु प्रदूषण के संकट से लाखों भारतीय बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ ने उम्मीद जताई कि भारत सरकार द्वारा प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, घरेलू LPG कार्यक्रम, स्वच्छ वाहन मानक और नए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम से आने वाले वर्षों में लोगों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे।